वेलकम डियर स्टूडेंट टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल. माय नेम इज योगिता सतीश सावड़े. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल. इस चैप्टर का पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था. अब हमें आगे देखना है सेकेंड नंबर पार्ट, डू यू नो. तो हमने देखा था कि जो डलहौसी था उसने, लॉर्ड डलहौसी ने किस तरह से दत्तक विधान नामंजूर करके 1848 में सातारा का राज्य खालसा किया था. छत्रपति प्रताप सिंह उनका जो नाम दत्तक विधान था वो उसने नामंजूर किया था इस तरह से. अब हमें देखना है यहाँ पर डू यू नो, यानी छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में कुछ जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है. छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल एंड महाद्रा इन सातारा. छत्रपति प्रताप सिंह उन्होंने सातारा शहर में यवतेश्वर का जो देवालय है, जो मंदिर है, उसके पिछले बाजू में जो महाद्रा है वहाँ पर तालाब बनवाया था और उसका जो पानी था उस पानी को इसकी वजह से शहर में, यानी सातारा शहर में कुछ बांधकाम उन्होंने वहाँ पर किया था. रोड्स वेयर बिल्ट इन द सिटी, शहर में उन्होंने रोड्स बनवाए थे. ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, और रोड के दोनों साइड्स में वहाँ पर ट्रीज का प्लांटेशन किया था. एंड स्कूल्स वेयर बिल्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत मराठी एंड इंग्लिश. बच्चों को संस्कृत मराठी एंड इंग्लिश पढ़ाने के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल्स वहाँ बनवाए थे. एंड प्रेस वॉज सेट अप एंड मेनी यूजफुल बुक्स वेयर पब्लिश. वहाँ पर जो छापखाना था वह बनवाया था और उसमें बहुत सारे बुक्स जो थे महत्वपूर्ण बुक्स के ग्रंथों की वहाँ पर छपाई की थी. और इन 1827 में सभानीति बुक ऑन पॉलिटी, जो कि राजनीति विषयक जो सभानीति ये जो ग्रंथ है वह वहाँ पर लिखकर छपवाया था. एंड वॉज प्रिंटेड एंड ही बिल्ट रोड फ्रॉम सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़. उन्होंने सातारा से लेकर महाबलेश्वर और उससे लेकर प्रतापगढ़ तक वहाँ पर रोड बनवाए थे. एंड द सेम रोड, और वही रोड आगे चलकर फर्दर एक्सटेंड टू महाड़, महाड़ तक वह आगे एक्सटेंड किया गया था. छत्रपति प्रताप सिंह यूज़ टू राइट पर्सनल डेली डायरी, और वो अपनी खुद की जो रोजनिशी रहती है वह खुद लिखा करते थे. ऐसे वो छत्रपति प्रताप सिंह थे, उनके बारे में जानकारी हमने ली. अब आगे हमें यहाँ पर देखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के इफ़ेक्ट्स यानी भारत पर हुए प्रतिसत्ता के परिणाम वो हमें यहाँ पर देखने हैं. तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब दुहेरी राज्य व्यवस्था. तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर 1765 में जो दुहेरी राज्य व्यवस्था शुरुआत की थी उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन महाराष्ट्र. द कंपनी अंडरटूक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर एज द नवाब एंड बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो उन्होंने यहाँ पर ऐसी दुहेरी व्यवस्था शुरू की थी कि महसूल जमा करने का काम कंपनी के पास था और जो राज्य था उसमें शांतता और सुव्यवस्था रखने का काम वहाँ पर नवाब के पास, बंगाल का जो नवाब था उसके पास ऐसा काम वहाँ पर दिया गया था. और इसी को यहाँ पर दुहेरी राज्य व्यवस्था एंड दिस वाज नोन एज अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा कहते हैं. तो आगे हमें यहाँ पर देखना है दुहेरी राज्य व्यवस्था के जो दुष्परिणाम थे वो किस तरह से समझ में आए थे. द इल इफेक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड एंड मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इन टू पॉकेट्स ऑफ द कंपनी ऑफिसर. जो कि कर वसूली करते थे वो लोगों से, जनता से जो कर वसूली की जाती थी वो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो अपने खुद के पास रखा करते थे. एंड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड. और उसी वजह से वो क्या करते थे कि जो मक्ता रहता था भारतीय व्यापार का जो मक्ता था वही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया देते थे. इसीलिए इंग्लैंड के बहुत सारे जो व्यापारी थे वो उसे उन्हें कंपनी का यहाँ पर कंपनी पर वो टीकास्त्र उठाने लगे, टीका करने लगे थे. एनविड देम एंड द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड क्रिटिज्म इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पॉर्टेंट लॉज टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी. तो इसी वजह से कंपनी
के जो लोग थे वो भारत पर जो कारोबार करते थे उस पर इंग्लैंड में कुछ टिका होने लगे, और इसी वजह से कंपनी के जो कारोबार है उस पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे रूल्स वहाँ पर बनाए, कुछ कायदे, कुछ कानून वहाँ पर बनाए, जैसे कि एक्ट्स पास बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हुए कायदे जो कानून है वह हमें देखने हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। तो 1773 से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके अनुसार बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऐसा हुद्दा वहाँ पर दिया गया, उसका ऐसा वहाँ पर नामकरण किया गया कि गवर्नर को सिर्फ गवर्नर जनरल ऐसा कहने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस उस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वेस्टर्न हेस्टिंग जो था बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इंडिया का गवर्नर जनरल वो बना लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ही गॉट द राइट ऑफ कंट्रोल द पॉलिटिक्स एंड मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस। तो उन्हें यहाँ पर मुंबई और मद्रास जो इलाका था उसके जो योजनाएं थी, जो धोरण था, उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार उसे दिया गया। अ कमिटी ऑफ फोर मेंबर्स वॉज सेट अप टू असिस्ट हिम, एंड उसके उसे सहायता करने के लिए चार सदस्यों की समिति वहाँ पर बनाई गई। इन 1784 पिट्स एक्ट, मतलब कि पिट्स एक्ट भारत विषयक जो एक्ट था वॉज पास्ड। तो भारत विषयक कायदा मंजूर किया गया था पिट्स एक्ट नाम का 1784 में। एंड द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्लियामेंट परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस एक्ट के अनुसार जो यहाँ पर भारत के जो राज्य कारोबार था पार्लियामेंट का, कंपनी का जो भारत में जो कारोबार था उस पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने के लिए एक कायदा स्वरूप से एक नियामक मंडल की स्थापना वहाँ पर की गई थी कंपनी इन इंडिया। एंड 1833 एंड 1853 न्यू लॉज वेयर पास बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टेन चेंजेस, और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ बदल करने के लिए वहाँ पर 1833 एंड 1853 में कंपनी के मार्फत वहाँ पर कार्यभार में फेरबदल करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ कायदे बनवाए। इस तरह से द वर्किंग ऑफ द कंपनी, एंड इन दिस वे देयर इवॉल्व एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी प्रकार कंपनी के जो प्रशासन थे उन्होंने प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष ऐसा नियंत्रण वहाँ पर अस्तित्व में आने लगा। विद द एमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप्ड इन इंडिया। और अंग्रेजी सत्ता जो है उसके आगमन के पाठोपाठ उसके पीछे ही वहाँ पर नई तरीके से यहाँ पर प्रशासकीय पद्धति जो है वो भारत में रूढ़ होने लगी। एंड सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और उसी तरह से मुल्की नौकरशाही, लश्कर, पुलिस दल और न्याय व्यवस्था, यह इंग्रज के जो भारतीय प्रशासन जो था भारत में का अंग्रेजों का, उसके प्रशासन के प्रमुख ऐसे आधार स्तंभ वो बने। कौन कौन से? तो सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम, मतलब मुल्की नौकरशाही, लश्कर, पुलिस दल और न्याय संस्था। इस तरह से अब आगे हमें देखना है मुल्की नौकरशाही यानी क्या, यानी द सिविल सर्विस का मतलब क्या होता है। द स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हियर देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट। तो भारत में जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसे दृढ़ करने के लिए अंग्रेजों को नौकरशाही की आवश्यकता होने लगी। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी, और इसी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने नौकरशाही की निर्मित वहाँ पर की। एंड सिविल सर्विसेज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसमें मुल्की नौकरशाही यह अंग्रेजी शासन का महत्व का घटक वहाँ पर बन गया। ही रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरीड बाय आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी। कंपनी के अधिकारी जो थे उनके खासगी व्यापार करने के अनुसार उन्होंने नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ पर ऐसा नियम बनाया गया, और इसीलिए उस हेतु से वहाँ पर जो अधिकारी थे उनके वेतन में बाढ़ कर दी गई, इनके वेतन बढ़ाए गए। एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इंटू डिस्ट्रिक्ट। तो प्रशासन के अनुसार उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो राज्य कारभार है वो अच्छे से होने लगे, इसलिए उन्होंने उसके उनके कब्जे में जो जो प्रदेश थे उन प्रदेशों में, अंग्रेजों के कब्जे में जो प्रदेश थे उनमें वहाँ पर जिला वार ऐसी विभागनी वहाँ पर की गई जिला के अनुसार। एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी वहाँ पर जिलाधिकारी यह जिला शासन का प्रमुख ऐसा माना गया। एंड उनके पास बहुत सारे कार्य थे, जैसे कि महसूल बनाना, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि महसूल जमा करना, लोगों को न्याय देना, इस तरह से कार्य वो करने लगे। गिविंग जस्टिस यानी लोगों को न्याय देना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो उनके जिला में जो शांतता सुव्यवस्था जो है वो बनाए रखना, ऐसे कार्य उन्हें करने पड़े, यानी कि ऐसी जवाबदारी जो थी उन पर दी गई जिम्मेदारी। एंड द ऑफिसर्स वेयर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विस, जैसे कि ICS अधिकारी बनने के लिए उन्हें भारतीय जो भर्ती होती थी उसे इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS ऐसी स्पर्धा तो थी, स्पर्धात्मक परीक्षा वह उन्हें देनी पड़ती थी और उसी से उनकी नेमणूक की जाती थी। अब आगे हमें देखना है द मिलिटरी एंड पुलिस फोर्स। तो मिलिटरी एंड पुलिस फोर्स यानी क्या होता है, लश्कर और पुलिस दल। द ड्यूटी ऑफ मिलिटरी वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन इन इंडिया, जो भारत में जो अंग्रेजों के कब्जे में जो प्रदेश थे उनका संरक्षण करना, इसलिए उन्होंने उनका मिलिट्री जो था, लश्कर जो था, पुलिस दल था वो बनाया था। एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, नए प्रदेश जो है वो हस्तगत करना, और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई उठाव बनाता है, जो कुछ कुछ बनाते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध में कुछ कार्य चलता है, तो वो जो कार्य था वो लोगों से बंद करवाना। एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स, और अपने देश में जो लश्कर के जो काम था वो उनका ऐसा था कि देश में कोई कायदा जो था या सुव्यवस्था था वो रखने का ऐसा कार्य उन्हें दिया गया पुलिस फोर्स को, उस लश्कर को। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम मतलब न्याय व्यवस्था। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। तो ब्रिटिशों ने यहाँ पर न्याय व्यवस्था जो थी उसके धरती पर अंग्रेजों ने भारत में नए तरीके से न्याय व्यवस्था की स्थापना यहाँ पर की गई, यानी कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस। हर एक जिला में यहाँ पर मुल्की कटलों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी कटलों के लिए फौजदारी न्यायालय ऐसी स्थापना वहाँ पर की गई। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश, और उनके जो निर्णय थे उनके फेर विचार के लिए उन पर अच्छे से विचार करने के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस तरह से उन्होंने न्याय व्यवस्था भी बनाई। अब आगे हमें यहाँ पर देखना है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कायदे के जो कायदा रहता था उसके सामने किस तरह से समानता मानी जाती थी। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भारत में सबसे पहले जो अलग अलग ठिकान थे वहाँ पर अलग अलग कायदे बनाए जाते थे। देयर वॉज अ डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैस्टिज्म, न्यायदान में जाति के अनुसार भेदभाव किया जाता था। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मेकलो द कमिटी वॉज सेटअप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ, और इसीलिए लॉर्ड मेकॉले जो थे उनके नेतृत्व में वहाँ पर स्थापन किए हुए जो विधि समिति थी उस कायदों की संहिता वो बनाते थे। एंड द इंडियन पेनल कोड वॉज इम्पोर्ट्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो संपूर्ण भारत में एक ही कायदा लागू किया गया और उसी वजह से कायदा के सामने सभी लोग समान हैं ऐसा तत्व वहाँ पर अंग्रेजों ने रूढ़ किया। अब आगे हमें देखना है बट देयर वेयर सम डिफीट्स इन इट, लेकिन उस पद्धति में जो कायदा की नई पद्धति बनी थी उसमें कुछ दोष थे, कुछ वहाँ पर उन्यू थी, जैसे कि देयर वेयर सेपरेट कोर्ट्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर यूरोपियंस,
क्योंकि यूरोपियन जो लोग थे उन पर खटले चलाने के लिए वहाँ पर अलग से वहाँ पर न्यायालय, स्वतंत्र न्यायालय वहाँ पर बनाए गए थे। एंड न्यू लॉज वेयर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। और जो नए लॉ थे, नए नियम थे, नए कायदे थे, वो सामान्य जनता के समझ के बाहर थे, उन्हें वो नहीं समझते थे। एंड लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर्स फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। और उसी वजह से न्याय ही जो थी वह सामान्य लोगों के लिए बहुत ही खर्चिक ऐसी बात वहाँ पर लगती थी। एंड उसी वजह से बहुत सालों तक वहाँ पर जो खटले थे वह चलते ही जाते थे। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, इंग्रजों का आर्थिक जो धोरण है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वेयर इन्वेंशन इन इंडिया, मेनी इन्वेंटर सेटल इन इंडिया एंड वेयर एब्सॉर्ब इन द इंडियन कल्चर। तो भारत की जो आर्थिक धोरण थे उसमें बहुत सारे प्राचीन काल से भारत पर बहुत सारे आक्रमण होते रहे, और अनेक आक्रमण की वजह से भारत में स्थायिक वह अनेक आक्रमक जो थे वह भारत में स्थायी होने लगे। मेनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड वेयर एब्सॉर्ब इन द इंडियन कल्चर। और वो जो आक्रमक थे भारत में सेटल होने के कारण उन्होंने भारतीय संस्कृति से समरस वो हो चुके थे। इवन दो दे रूल्ड हियर, दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। वो भारत के संस्कृति में वो वहाँ पर रूढ़ हो चुके थे, स्थायी हो चुके थे, और उन्होंने इस भारतीय जो संस्कृति थी, जो अलग अलग जो अर्थव्यवस्था थी उसमें मूलभूत ऐसे बदल उन्होंने नहीं किए थे। बट द ब्रिटिशर्स वेयर एन एक्सेप्शन, लेकिन इंग्रजों का वैसा नहीं था, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस उस भारत के सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में किए थे। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन, एंड इंग्लैंड जो था वह आधुनिक राष्ट्र था, इसलिए ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो उन्होंने औद्योगिक क्रांति के अनुसार वहाँ पर भारत में बहुत सारे चेंजेस करवाए थे, प्रिवेल्ड हेंस दे इंकुलकेटेड एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया विच वॉज कंडेंसिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। और इसी वजह से उन्होंने भारतीय जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, उस पर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था रूढ़ की, और उन्होंने इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में बनवाई। एंड ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट, बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। और उस वजह से इंग्लैंड को बहुत सारा आर्थिक फायदा होने लगा, आर्थिक लाभ होने लगा, लेकिन भारतीय जो जनता थी उन्हें मात्र यहाँ पर आर्थिक शोषण उनका होने लगा था। इस तरह से उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत का उपयोग कर लिया था।